नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुसर रफराना। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर में ड्यूटी से घर लौट रहे वर्दीधारी जवान को घेर कर मारपीट करने का आरोप। वर्दीधारी जवान को उसके ही गांव के दबंगों ने अपने साथी के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम देकर हुए फरार। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ बीवी नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा की लगाई गुहार। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, आप कहाँ ड्यूटी पे हो इस समय? इस समय मैं जी गुलाब थी कोतवाली यातायात में ड्यूटी कर रहा हूँ। यातायात में आपके साथ क्या घटना घटी है? ये आपके चेहरे पर आंखें नीली हो रही, क्या मामला है? साहब, मैं 12 तारीख में गुलाब थी से मैं ड्यूटी पर से जा रहा था और घर के लिए, और मैं जब घर अपने शटला बस स्टैंड पर पहुँचा तो एक बंटी नाम का लड़के ने आवाज़ लगाई और मुझे रोका और मेरे पीछे से वर्दी पकड़ ली। वर्दी पकड़ के एकदम झटका मारा और मुझे नीचे घेर दिया और घेर के मेरे काफ़ी मारपीट करी मेरे साथ में। फिर घेरते ही साहब मैंने खूब छुटने का प्रयास, उनने छोड़ा नहीं और उसके साथ अपने साथी देखने लगे तो कोई ने भी छोड़ा, कृपा ने कुछ नहीं करी, कोशिश नहीं कराई और साहब उन्होंने मेरी साथ वर्दी फाड़ी खूब और नाई की दुकान में से कैंची लेकर लाया और मेरे पेट में कैंची देने का प्रयास करा और साहब आपकी जो वर्दी फटी है उसके बटन बटन टूटे होंगे? हाँ हाँ, मेरे साहब ये बटन टूटे हुए साहब, मेरे सारे टूट रहे हैं साहब, नीचे भी टूट रहे हैं मेरे साहब, पूरी पर वर्दी फाड़ी है नीचे घेर घेर के मारे साहब। और साहब मैंने फिर मैं बीबी नगर थाने गया एफ आई आर करने के लिए और साहब मैंने एफ आई आर देने के लिए फिर बाद में एफ आई आर जब मैंने उस पर 112 नंबर पर कॉल करी, गाड़ी आई उसे उठा के ले जाने के लिए, फिर भी वो नहीं मिला। और साहब आज कल मैं बुलंदशहर में SSP के यहाँ गया था, जब SSP के यहाँ गया था तो उन्होंने भी काफ़ी फटकार लगाई तिरवारी जी को, बीज नगर वालों को जी, और उन्होंने उनसे कहा कि एक उनके साथ न्याय करेंगे तो उनके सरकार बढ़िया से बढ़िया ये कह रहे थे कि कानूनी कार्रवाई करी जा और इसे जेल भेज दिया जा। साहब अभी तक भी उसके मुँह में कुछ नहीं हुआ, वो घर ही आप तो थाने को पकड़ के चला गया लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा। तो आप योगी जी, योगी सरकार से आप क्या चाहते हैं? तो आप सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी से, हमारे फिर मुख्यमंत्री जी से मेरे साथ न्याय करा दिया जाएंगे और मेरे साथ जो भी हुआ है उसको सजा दिलाई जाए, जो मेरे साथ में जिसने कराया उसको सजा दिलाई जाए और मुझे न्याय दिया जाए और आपकी अति कृपा होगी